Today, I'm going to revise chapter Nationalism in India. Civics, you have done only two chapters in civics, political party and outcomes of democracy, and you have done so many times. So, today I'm going to start Nationalism in India. In history, you are having only one chapter, that is Nationalism in India. And from this chapter, you will be having one map of 2 marks. 2 marks ka map bhi aana hai is lesson mein se. So, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर, क्योंकि ये मुझे फिर बिगनिंग से कराना पड़ेगा, काफी गैप के बाद ये हम चैप्टर करने हैं, तो इसमें काफी गैप आ गया, तो मैं इसको बिगनिंग से फिर शुरू करती हूँ. दिस लेसन स्टार्ट्स विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट टॉपिक जो है ना बुक में, दैट इज हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से नेशनलिज्म की फीलिंग्स कैसे आई लोगों के मनों में. तो इसमें आप सबसे पहले तो ये बताओगे, आपको वन मार्क में भी तो पूछना है ना उन्होंने क्वेश्चन, तो यू शुड नो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब और कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई, किस किस में हुई. अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स. अलाइड पावर्स आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज कितनी बार पेपर में वो पूछ चुके हैं. यूके, फ्रांस, रशिया, यूएसए, ये तो है अलाइड पावर्स. आप नाइन्थ में भी पढ़ के आई हो सब. जब जर्मनी पढ़ा था तो उसमें अलाइड पावर्स पढ़ी होंगी, रशिया में भी अलाइड पावर्स पढ़ी थी आपने, ठीक है. यूके, फ्रांस, रशिया, यूएसए, उधर है जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, टर्की, हंगरी, इटली, वो है सेंट्रल. तो इंडिया तो मैंने कहीं पे भी नहीं बोला. तो इसमें हमारा क्वेश्चन ये नहीं है सेंट्रल एंड अलाइड पावर्स, वो वैसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए. हमारा क्वेश्चन है हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस. तो इसमें हमने बताना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 बिटवीन अलाइड एंड एक्सिस पावर्स. तो इंडिया हैड नो एनिमिटी विद एनी कंट्री, बट इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर बिकॉज इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. तो ब्रिटिश फॉलोड फोर्स रिक्रूटमेंट. फोर्स रिक्रूटमेंट आपको पता ही है कि फोर्स द इंडियन पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू ज्वाइन द आर्मी. ब्रिटिश ने इंडिया में फोर्स रिक्रूटमेंट फॉलो किया, फोर्स इंडियंस टू ज्वाइन ब्रिटिश आर्मी. एंड ब्रिटिश ऑल्सो प्रोमिस दैट आफ्टर वार दे वुड इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. तो इस बिहाफ पे इंडिया ने ये वार लड़ी, ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने ये वार लड़ी, बिकॉज ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था आफ्टर वार दे वुड इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. तो इस वार में अलाइड पावर्स नो डाउट जीत गई, बट ऑल सफर्ड हैवी लॉसेस, सबको बहुत लॉस हुए थे. तो ब्रिटेन ने अपनी सारी रिकवरी इंडिया से की, बिकॉज इंडिया वॉज इट्स कॉलोनी. तो रिफॉर्म्स तो क्या इंट्रोड्यूस करने थे आफ्टर वार. ब्रिटेन टर्न मोर होस्टाइल टुवर्ड्स इंडियंस, और स्ट्रिक्ट हो गया ब्रिटेन टुवर्ड्स इंडियंस. एंड ब्रिटेन ने इट इम्पोज वेरियस टैक्सेस ऑन इंडियन पीपल. पहले ही लोग कितना लॉस इस वार में सह चुके थे, बिकॉज इन पीजेंट्स वर्कर्स वेंट टू फाइट वार, मैनी लॉस देयर लाइफ. एंड आपको पता है इंडिया में घरों में यंगस्टर्स नहीं थे, घरों में जो बच्चे थे वो बूढ़े वुमेन बच्चे बस, क्योंकि यंगस्टर मोस्टली इस वार में मारे गए थे. तो इंडिया को तो वैसे ही बहुत लॉस हुआ, और बिना किसी बात के इंडिया ने ये लड़ाई लड़ी थी. तो ब्रिटिश ने रिफॉर्म्स तो क्या करने थे, दे इम्पोज मोर टैक्सेस ऑन इंडियन पीपल एंड दे इंक्रीज रेवेन्यू. तो इंडियंस इन दोज डेज, इंडियन पीजेंट्स, दे वर नॉट इन कंडीशन टू पे रेवेन्यू, क्योंकि वो तो वार लड़ने गए हुए थे, तो वो रेवेन्यू कहाँ से देते. ब्रिटिश नेवर रिमिटेड रेवेन्यू, तो उन्होंने रेवेन्यू भी कलेक्ट किया. तो नेक्स्ट दे इम्पोज न्यू टैक्स, दैट वाज इनकम टैक्स. अब आप इसमें बताओगे कि दिस वार ऑल द कंट्रीज सफर्ड हैवी लॉसेस, इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. तो आफ्टर वार ब्रिटिश टर्न मोर होस्टाइल टुवर्ड्स इंडियंस एंड दे इम्पोज वेरियस टैक्सेस ऑन इंडियन पीपल, दे इंक्रीज रेवेन्यू रेट्स, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स दैट वॉज इनकम टैक्स. तो इंडियंस तो किसी देने की कंडीशन में ही नहीं थे इन दोज डेज. आप बताओगे कि टू फेमाइंस आल्सो कट इन इंडिया, टू फेमाइंस भी आए थे इंडिया में. एंड इन दोज टू फेमाइंस 13 मिलियन इंडियन पीपल लॉस देयर लाइफ. तो एक तरफ तो ब्रिटिश उनके साथ कह लो के क्रूअल थे, और दूसरी तरफ टू फेमाइंस भी आए इंडिया में. एंड 13 मिलियन इंडियन लॉस देयर लाइफ. सो इंडिया वॉज इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एक्सप्लॉयटेड बाई ब्रिटिश. सो ऑल दिस क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस. अपने आप सोचो, अगर अपनी गवर्नमेंट होती तो वो हेल्प करती,
क्योंकि ये फॉरेन रूल था इंडिया पे, इंडिया कॉलोनी थी, इंडियंस वर स्लेव्स, तो ब्रिटिश ने उनके साथ पुअर ट्रीटमेंट किया, तो इस वजह से हम कहेंगे ऑल दिस क्रिएटेड फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस. तो इससे इंडियंस के मनों में कैसी फीलिंग्स आई, नेशनलिज्म. तो इन दिस वे वी कैन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस. क्योंकि हम कहेंगे एंड में, पहले तो हम सारा बताएंगे कि इस वार में इंडिया ने क्यों पार्ट किया, क्यों कैसे उनको फोर्स रिक्रूटमेंट के थ्रू किया गया, टू फेमाइंस भी आए उनके ऊपर, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, इनकम टैक्स लगा दिया, रेवेन्यू रेट्स बढ़ा दिए. तो इंडियंस वर इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एक्सप्लॉयटेड थे अंडर ब्रिटिश. तो इन दिस वे सब कुछ ये इंडियंस के मनों में ये सब कुछ क्या लेके आया, फिर फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म. तो ऑल दिस क्रिएटेड फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस. तो इस वे से आप इस क्वेश्चन को कर दोगे फर्स्ट वर्ल्ड वार वाला. इसमें कितने ही मैंने क्वेश्चन वन मार्क बोल दिए, कितने लोगों की डेथ हुई थी ड्यूरिंग टू फेमाइंस, 13 मिलियन. तो नेक्स्ट, गांधी जी किधर थे जब ये वार स्टार्ट हुई, ही वॉज इन साउथ अफ्रीका. जब ये वार स्टार्ट हुई तो गांधी जी वॉज इन साउथ अफ्रीका, एंड इन साउथ अफ्रीका ही लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट. साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की थी. सत्याग्रह का मीनिंग आपको आना चाहिए, सत्य मीन्स ट्रुथ एंड ग्रह मीन्स फाइट. उसका मीनिंग क्या हुआ, फाइट फॉर ट्रुथ, सच के लिए लड़ना. सत्य मीन्स ट्रुथ, ग्रह मीन्स फाइट. तो इसका पूरा मीनिंग क्या है, फाइट फॉर ट्रुथ. तो व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, गांधी जी वॉज इन साउथ अफ्रीका, एंड इन साउथ अफ्रीका ही लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट. अब आपने कहना कि साउथ अफ्रीका में मूवमेंट क्यों लॉन्च की, बिकॉज इन साउथ अफ्रीका देर वॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन दोज डेज. अपार्थेड चल रहा था, अपार्थेड आप 9th में पढ़ के आए. अपार्थेड मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स थे ना, दे वर ट्रीटेड बैडली बाय वाइट गवर्नमेंट. तो इंडियंस वर ऑल्सो ट्रीटेड ब्लैक्स. इंडियंस को भी साउथ अफ्रीका में एज ब्लैक्स ट्रीट किया जाता था. तो अगेंस्ट दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की. बट ही केम टू इंडिया इन 1915. 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आ गए. इन साउथ अफ्रीका पूछ सकते हैं विच मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका, तो सत्याग्रह मीनिंग पूछ लिया, फाइट फॉर ट्रुथ. फिर आपने बताना है कि वाई इन साउथ अफ्रीका, अगर ये पूछ लिया तो आपने कहना है बिकॉज इन साउथ अफ्रीका इंडियंस वर ट्रीटेड एज ब्लैक्स एंड ट्रीटेड बैडली बाय वाइट गवर्नमेंट. इंडियंस को वाइट गवर्नमेंट जो थी वो उनके साथ पुअर ट्रीटमेंट करती थी इन साउथ अफ्रीका. तो इसीलिए गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की 1914 में. एंड गांधी जी केम टू इंडिया इन 1915. 1915 में गांधी जी इंडिया आ गए. अब इंडिया आके अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले. तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे ही टुक द राउंड ऑफ होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का राउंड लगाया. एंड ही वॉज वेरी सैड व्हेन ही सॉ पुअर कंडीशन ऑफ इंडियंस अंडर ब्रिटिश. एंड ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड व्हेन ही सॉ हाउ अनटचेबल्स वर ट्रीटेड बैडली बाय हाई कास्ट पीपल. तो उन्होंने देखा कि इंडिया को तो चलो ब्रिटिश तो एक्सप्लॉइट कर ही रहे हैं, अपने लोग भी हाई कास्ट पीपल कैसे अनटचेबल्स के साथ पुअर ट्रीटमेंट कर रहे हैं. तो ये सब कुछ गांधी जी से टॉलरेट नहीं हुआ. तो दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया. तो उन्होंने इंडिया में भी सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया. दिस मूवमेंट वॉज अर्लियर लॉन्च इन साउथ अफ्रीका, नाउ ही डिसाइडेड टू लॉन्च दिस मूवमेंट इन इंडिया ऑल्सो. बिकॉज इन इंडिया जो आप कहोगे कि इंडियंस वर ट्रीटेड बैडली बाय ब्रिटिश, एंड इन इंडिया जो अनटचेबल्स थे दे वर ऑल्सो ट्रीटेड बैडली बाय हाई कास्ट हिंदूज. तो गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया. इन दिस मूवमेंट ही आस्क्ड हिज सत्याग्रही, सत्याग्रही मीन्स उनके फॉलोअर्स, पीपल हु ज्वाइंड दिस मूवमेंट, उन्हें सत्याग्रही कहा गया. तो इन दिस मूवमेंट ही आस्क्ड सत्याग्रही टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस. उन्होंने कहा कि अगर आपकी लड़ाई जो है ना दैट इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फाइट योर वार, बट यूज अ साइलेंट, आपने उसे नॉन वायलेंट रह के लड़ना है, आपने वायलेंट नहीं होना. तो इस वे से फाइट फॉर ट्रुथ, उन्होंने कहा सच के लिए लड़ो, बट रिमेन
नॉन वायलेंट रहना, अपने वायलेंट नहीं होना, बिकॉज उनकी हर मूवमेंट का जो बेस था दैट वॉज नॉन वायलेंस. तो गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में लॉन्च की और मैसेज दिया सत्याग्रही को कि अगर आपकी लड़ाई इनजस्टिस के अगेंस्ट है देन यूज नॉन वायलेंट मैथड टू विन द वार. आप लड़ाई लड़ो, उसे जीतने के लिए नॉन वायलेंट मैथड यूज करो. तो दिस वॉज द मैसेज गिवन बाय महात्मा गांधी टू सत्याग्रही. अब इन दिस मोमेंट गांधी जी टुक थ्री राउंड्स, उन्होंने थ्री सत्याग्रह राउंड्स लिए थे इस मोमेंट में, जिसको कहते हैं सत्याग्रह राउंड्स ऑफ महात्मा गांधी. अब जो फर्स्ट राउंड था ना दैट वॉज इन चंपारण. इन 1916 ही वेंट टू चंपारण. अब चंपारण एक विलेज अभी भी है, विलेज इन बिहार, बिहार में ये विलेज. इन 1916 गांधी जी वेंट टू चंपारण इन बिहार. अब यहाँ पे क्यों गए? टू हेल्प द पीजेंट्स. हियर पीजेंट्स जो थे ना दे डिडंट वांट टू ग्रो इंडिगो. यहाँ के पीजेंट्स इंडिगो ग्रो करना नहीं चाहते थे. इंडिगो यू नो इट वेरी वेल, एक डाई जो कि ब्रिटिश अपनी कंट्री भेजते थे टू डाई द मिल्क क्लोथ. तो इट वॉज अनप्रॉफिटेबल क्रॉप फॉर इंडियन पीजेंट्स, दे डिडंट वांट टू ग्रो इंडिगो. तो गांधी जी वेंट चंपारण टू हेल्प द पीजेंट्स एज दे डिडंट वांट टू ग्रो इंडिगो. इसको हम कहते हैं इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट. फर्स्ट राउंड जो है दैट इज इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट. तो यहाँ पे उन लोगों की हेल्प करने गए थे गांधी जी. नेक्स्ट इन 1917 ही वेंट खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. खेड़ा इन गुजरात टू हेल्प द पीजेंट्स. हियर पीजेंट्स वर नॉट इन कंडीशन टू पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, क्योंकि वो तो ड्यूरिंग वार, पीजेंट्स तो वार लड़ने गए हुए थे. तो हियर पीजेंट्स वर नॉट इन कंडीशन टू पे रेवेन्यू. रेवेन्यू देने की कंडीशन में नहीं थे. ये चल भी वार वाले ईयर्स रहे हैं, देखो वार चल रही है उधर फर्स्ट वर्ल्ड वार. तो दे वर नॉट इन कंडीशन टू पे रेवेन्यू बट ब्रिटिश फोर्स देम टू पे रेवेन्यू. गांधी जी वेंट टू हेल्प दीज पीजेंट्स. इसे कहते हैं पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट. इसे कहते हैं इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट. इसे कहते हैं पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट. तो यहाँ पे पीजेंट्स की हेल्प करने गए. ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है आप नेक्स्ट ईयर डबल रेवेन्यू दे देना. तो यहाँ पे भी बात नहीं बनी. नेक्स्ट इन 1918 ही वेंट अहमदाबाद. अहमदाबाद अगेन इन गुजरात मीन्स इनके दो राउंड जो थे वो गुजरात में थे. अब 1918 में ही वेंट अहमदाबाद. अहमदाबाद गए, यहाँ पे क्यों गए? टू हेल्प द कॉटन मिल वर्कर्स. अब इसको कहते हैं कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट, इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट, पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट. तो यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट किसी के बारे में पेपर में पूछ सकते हैं. तो कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट इसे कहा जाता है अहमदाबाद के राउंड को. तो हियर जो वर्कर्स थे ना देयर वेजेस वर लेस बट वर्किंग आवर्स वर मोर. तो गांधी जी वेंट अहमदाबाद टू हेल्प द वर्कर्स टू इंक्रीज देयर वेजेस एंड टू रिड्यूस देयर वर्किंग आवर्स. तो दीज वर द थ्री राउंड्स टेकन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग सत्याग्रह मूवमेंट. अब हियर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914, गांधी जी केम टू इंडिया इन 1915. इन 1916 चंपारण. चंपारण इसको हो गए इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट. इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट देन फिर आप बताओगे इन 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात जिसे हम कहते हैं पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट. देन इन 1918 अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट. तो आई थिंक सत्याग्रह राउंड्स क्लियर. थ्री सत्याग्रह राउंड्स गांधी जी हैड टेकन इन इंडिया ड्यूरिंग द सत्याग्रह मूवमेंट. अब ईयर आ गया 1919. तो इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए. ये वाले ईयर में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्टेड विद रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट ब्रिटिश ने पास किया था. ब्रिटिश पास रॉलेट एक्ट. अब ब्रिटिश ने
रॉलेट एक्ट पास किया 1919 को अंडर जस्टिस रॉलेट। जस्टिस रॉलेट के अंडर ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट पास किया। रॉलेट एक्ट को ही हम ब्लैक बिल भी कहते हैं, ब्लैक बिल, क्योंकि इसमें पता क्या हुआ, ब्रिटिश कुड अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। किसी भी इंडियन को शक की नजर पे ब्रिटिश अरेस्ट कर सकते थे। एंड इंडियंस हैड नो राइट टू अपील, दलील एंड वकील, ना तो वो अपील कर सकते थे, ना ही दलील दे सकते थे इंडियंस, ना ही वो वकील कर सकते थे। तो ब्रिटिश कुड अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट ट्रायल फॉर हाउ मेनी इयर्स, 2 ईयर्स। तो रॉलेट एक्ट को ही हम कहते हैं ब्लैक बेल्ट। तो होल इंडिया वाज अगेंस्ट दिस एक्ट, इंडियंस वर अगेंस्ट दिस एक्ट, गांधी जी ही वाज आल्सो अगेंस्ट दैट रॉलेट एक्ट। अब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919, देखो अभी 1919 की ही बात कर रही हूं मैं, 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल डिक्लेयर कर दी। आपने यहाँ पे हड़ताल ही लिखना है वर्ड। गांधी जी डिक्लेयर हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919 अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हड़ताल डिक्लेयर कर दी इन द होल ऑफ इंडिया। अब आप हड़ताल के बारे में लिखोगे, इसे हम रॉलेट सत्याग्रह भी कहते हैं। अगर आपको पेपर में रॉलेट एक्ट एंड रॉलेट सत्याग्रह के 5 नंबर का क्वेश्चन आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉलेट एक्ट के बारे में बताओगे, देन रॉलेट सत्याग्रह। ये हड़ताल को भी हम रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। तो अब क्या क्या हुआ इसमें, लोगों ने ब्रिटिश गुड्स का बाइकॉट किया, पीपल बर्नड ब्रिटिश गुड्स इन हीट, दे एनकरेज्ड पीपल टू यूज इंडियन गुड्स। तो आप साथ में बताओगे, पीसफुल प्रोसेशंस वर टेकन आउट, शॉप्स वर क्लोज, लीकर शॉप्स वर पिक्टेड अप। पिक्टेड का मीनिंग क्या होता है, बैन कर देना किसी जगह की एंट्री को। लोगों ने लीकर शॉप्स जो थी, वहां से ब्रिटिश को बहुत इनकम थी, तो लोगों ने उन शॉप्स की एंट्री बंद कर दी, वहां बाहर धरने लगा के बैठ गए। लीकर शॉप्स वर पिक्टेड अप, पिक्टेड का मीनिंग आई टोल्ड यू कि बैन द एंट्री ऑफ सम प्लेस। तो लोगों ने, पीपल लेफ्ट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, बाइकॉटेड ब्रिटिश गुड्स, जो जो हड़ताल में होता है आपने वो सब कुछ लिखना है ठीक। तो देयर वाज हड़ताल इन अमृतसर आल्सो, क्योंकि होल इंडिया में हड़ताल थी तो अमृतसर में भी हुएगी। तो इन अमृतसर ब्रिटिश अरेस्टेड डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर किचली। इंडियंस डिमांडेड टू रिलीज दीज टू पोलिटिकल प्रिजनर्स बट ब्रिटिश रिफ्यूज। इन अमृतसर इंडियन टर्न्ड वायलेंट, जो अमृतसर के लोग थे ना वो वायलेंट हो गए। ब्रिटिश डिड लाठी चार्ज इन अमृतसर, तो क्योंकि लोग क्या चाहते थे, डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर किचलू को रिलीज कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, ब्रिटिश ने मना कर दिया। लोग थोड़े से वायलेंट हुए, लोग ब्रिटिश ने लाठी चार्ज किया, तो अमृतसर में कहीं ना कहीं वायलेंस हो गई। तो ब्रिटिश हैड टू कॉल जनरल डायर, ब्रिटिश को जनरल डायर को बुलाना पड़ा। अब जनरल डायर ने आते ही इंडिया में मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ। By this law, Indians were not allowed to assemble. पूछते होते हैं, what do you mean by martial law? Indians were not allowed to assemble. इकट्ठे नहीं हो सकते थे, ग्रुप में खड़े नहीं हो सकते थे, 2 या 3 से ज्यादा इंडियन खड़े नहीं हो सकते थे। तो जनरल डायर ने आके मार्शल लॉ पास कर दिया इन अमृतसर में लगा दिया। अब फिर मैं बात करूं 1919 की, तो अब आ गया 13 अप्रैल 1919, यू नो इट वेरी वेल, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, 13 अप्रैल 1919। अब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी भी थी, तो लोग जो थे, कांग्रेस ने एक पीसफुल मीटिंग रखी हुई थी इन जलियांवाला बाग। कांग्रेस ने ऑन 13 अप्रैल 1919 कांग्रेस ने एक पीसफुल मीटिंग बुलाई थी, कांग्रेस कॉल्ड पीसफुल मीटिंग इन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में पीसफुल मीटिंग बुलाई हुई थी कांग्रेस ने। तो मैनी पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स केम टू अमृतसर
ड्यू टू बिसाखी फियर, क्योंकि 13 अप्रैल को बिसाखी भी, तो मैनी आउटसाइडर्स, मैनी इंडियंस फ्रॉम अदर स्टेट्स, दूसरी स्टेट से अमृतसर आए थे फॉर बैसाखी फियर टू गोल्डन टेम्पल, या फिर आप कह लो दुर्गियाना मंदिर, लोग अमृतसर आए थे. दे डिड नॉट नो अबाउट मार्शल लॉ. तब कौन सा इतना मीडिया वास्ट होता था कि खबर एक मिनट में पहुंच जाती थी. लोगों को मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था. तो फिर हम कहेंगे कि दे वेंट टू, अगर पता होता क्या वो अपने बच्चों को लेके जाते कभी, तो दे वेंट टू जलियांवाला बाग विद देयर किड्स, अपने बच्चों के साथ. वेट, दे वेंट टू जलियांवाला बाग विद देयर किड्स. दिस वॉज नॉट टॉलरेटेड बाय जनरल डायर. कहीं ना कहीं से लगा कि दिस वॉज अगेंस्ट द लॉ पास बाय जनरल डायर. उसको लगा कि ये जो मैंने लॉ पास किया ना माशाल्लाह, ये तो बात उसके अगेंस्ट होगी कि लोग कहाँ चले गए, जलियांवाला बाग. तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि एक तो कांग्रेस की मीटिंग थी. देन पीपल जो बैसाखी फेयर में आए थे, दे वेंट टू जलियांवाला बाग विद देयर किड्स. तो जनरल डायर एंटर्ड द जलियांवाला बाग विद हिज ट्रूप्स एंड ही ब्लॉक्ड द नैरो गेट एंड ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू फायर ऑन अनआर्म्ड इंडियंस. तो इस वजह से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एंट्री की. उसने नैरो गेट, जो अभी भी वैसा ही है, उसने उसे ब्लॉक किया, बंद किया, एंड ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू फायर ऑन इंडियंस. तो इंडियंस तो बेचारे अनआर्म्ड थे, दे वेंट जलियांवाला बाग विद देयर किड्स, तो उन पे फायरिंग होगी. मैनी इंडियंस लॉस्ट देयर लाइफ, मैनी गॉट इंजर्ड. ऐसे हुआ था, अगर बच्चे थे तो पेरेंट्स नहीं थे, पेरेंट्स थे तो बच्चे नहीं थे, ऐसे हुआ था वहाँ पे. तो होल इंडिया वॉज शॉक्ड ड्यू टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट. तो गांधी जी को भी दुख हुआ ये सब कुछ देख के, कितना लोग मारे गए आफ्टर जलियांवाला बाग. फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक्स हुई. तो अब लोगों ने ब्रिटिश की बिल्डिंग्स पे अटैक किए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के घरों पे अटैक किए. तो ब्रिटिश ने भी स्ट्रिक्ट मेथड यूज किए टू ब्रिटिश गिव स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स, टू गिव पनिशमेंट्स टू इंडियंस. तो दे यूज स्ट्रिक्ट मेथड्स टू गिव पनिशमेंट्स टू सत्याग्रहीज. तो उन्होंने सत्याग्रहीज को बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी. अब क्या क्या किया, दे फोर्स्ड सत्याग्रहीज टू क्रॉल इन द स्ट्रीट्स ऑफ अमृतसर. उन्होंने कहा अगर आपने गलियों से अपनी स्ट्रीट्स में से बाहर आना ना, तो आप क्रॉल करके आओगे. एंड दे फोर्स्ड देम टू रब देयर नोजेस एंड फोर्स्ड देम टू डू सलाम टू ऑल साहिब्स. अब यहाँ पे साहिब कौन थे, ब्रिटिश. उन्होंने सत्याग्रहियों को फोर्स किया टू क्रॉल इन द स्ट्रीट्स ऑफ अमृतसर टू डू सलाम टू ऑल साहिब्स एंड टू रब नोजेस. तो ये सारी पनिशमेंट सत्याग्रहियों को ब्रिटिश ने दी. तो ये सब कुछ गांधी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, बिकॉज गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंस. कहीं ना कहीं लोग भी वायलेंट हो रहे थे. तो ड्यू टू दिस ही डिसाइडेड टू कॉल बैक सत्याग्रह मूवमेंट. सत्याग्रह वैसे भी उनकी जो मूवमेंट थी ना, दैट वॉज नॉट मास मूवमेंट. तो इट वॉज लिमिटेड टू द एरियाज वेयर गांधी जी विजिटेड. इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री पीपल डिड नॉट नो अबाउट दिस मूवमेंट. तो इसीलिए गांधी जी ने डिसीजन लिया टू कॉल बैक सत्याग्रह मूवमेंट. एंड नाउ ही डिसाइडेड टू लॉन्च, हम कहेंगे कि वो अब मास मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे. एंड दिस टाइम ही वॉन्टेड टू ज्वाइन हैंड्स विद मुस्लिम्स. कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि मुस्लिम्स के साथ हैंड ज्वाइन करना, क्योंकि उनकी सत्याग्रह मूवमेंट जो थी, दैट वॉज नॉट मास मूवमेंट. पेपर में पूछते होते हैं कि सत्याग्रह मूवमेंट क्यों वापस ली. फर्स्ट ऑफ ऑल तो गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंस, एंड देर वॉज वायलेंस इन फ्यू पार्ट ऑफ द कंट्री, तो दैट्स वाई. एक तो ये, दिस मूवमेंट वॉज नॉट अ मास मूवमेंट. एक आप ये रीजन बताओगे, इट वॉज लिमिटेड. मास मूवमेंट क्या होता है, ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं थी लोगों की. फिर आप बताओगे कि दिस मूवमेंट वॉज लिमिटेड टू द एरियाज वेयर गांधी जी विजिटेड, एंड इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री पीपल डिड नॉट नो अबाउट दिस मूवमेंट. सो दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू लॉन्च मास मूवमेंट.
by joining hands with Muslims. So he called back his satyagraha movement. इसलिए उन्होंने अपनी सत्याग्रह movement को वापस लिया. So this is about